देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए, मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले दो बार से लगातार 25 सीटें राजस्थान में जीतती आई थी। आप सभी जानते हैं कि टॉप पे पहुंचना आसान होता है पर टॉप पे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह गालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि बार बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूं कि अकेले आके चुनाव लड़ो। ये गालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा जारी है। इस बार राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। नागौर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने इस पर अपने विचार साझा किए हैं। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में ज्योति मिर्धा ने कहा, सभी ने सकारात्मक तरीके से अपनी बात रखी, जहां जहां कमियां थी वो भी बताई गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। नागौर सीट पर हार के बारे में ज्योति मिर्धा ने कहा, नागौर सीट पर बीजेपी दुर्भाग्य से बहुत कम अंतर से जीत नहीं पाई। हमारी जो भी कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे। मिर्धा ने यह भी कहा कि अब उनका पूरा प्रयास संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। वे सरकार की योजनाओं को अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेंगी। क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए या किस तरीके से संगठन को लगना चाहिए, सरकार की किस तरीके से हमें मदद लेनी चाहिए, उन सभी चीजों के ऊपर एक चर्चा हुई है और मुझे लगता है इस चीज का हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाली जो हमारी बाय इलेक्शन होंगे उसके अंदर। लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत जीत के नजदीक भी पहुंचे और आपने देखा है कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का विपक्ष ने कुछ अलग तरीके की बातें मतलब बाहर फैला दी थी, उनका नुकसान उठाना पड़ा। वो जैसी भी अनर्गल बातें थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नागौर में हमारे सामने वाले जो ओपोनेंट थे वो दो पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और आप समझते हैं कि उनमें हमेशा से ही नागौर एक थोड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, लेकिन जनता का बहुत अच्छा समर्थन रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र को लाभ हो सके, इसका ये प्रयास जारी रहेगा। और कारण क्या रखे आपकी, आपने कुछ कारण बताए होंगे, उन्होंने पूछे होंगे पार्टी ने, कोई कारण भी आए सामने कुछ सामने? तो कुछ होते हैं अपने डिस्कशंस करने की चीजें होती है जिनको सुधारा जा सकता है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जो कमी रही है उसके ऊपर हम बिल्ड करें, उन कमियों को दूर करें ताकि आने वाले जैसे ही मतलब हमारे बाय इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें वापस से वो गलतियां जो सुधारने की जरूरत है और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्योंकि अब फोकस विधानसभा के अंदर ये क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बीजेपी ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि बार बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूं कि अकेले आके चुनाव लड़ो। ये गालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो।